ATC World, a desire to connect the world. Hey दोस्तों, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं ATC World. आज के इस वीडियो में मैं आपको Windows 10 के शॉर्टकट्स कीज बताने वाला. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. पहला है Windows A. Windows A से एक्शन सेंटर खुलता है और एक्शन सेंटर का दूसरा नाम फोकस असिस्ट भी है. दूसरा है विंडोज सी यानी कोर्टाना. कोर्टाना विंडोज 10 का एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और ये देखिए कैसे वर्क करता है. ओपन गूगल क्रोम. Sure. ये देखिए कोर्टाना को निर्देश दिए और इसने गूगल क्रोम खोल दिया. अगला है विंडोज डी. अगर मैं कोई भी फाइल खोलता हूँ, जैसे मैं दिस पीसी खोला, रिसाइकल बिन खोला या कोई भी, जैसे मैं एक्सेस खोला, तो ये देखिए जहाँ मुझे डेस्कटॉप शो करना है, मैं जैसे ही विंडोज डी दाबूंगा तो ये डेस्कटॉप शो हो जाएगा. अगला है विंडोज टी यानी कि टास्क बार. जैसे मैं विंडोज टी प्रेस करता हूँ, यहाँ को ये बार दिख रहा होगा. जैसे मैं यहाँ इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए यहाँ इसने माइक्रोसॉफ्ट एज खोल दिया. फिर मैं इसे क्लोज करके फिर मैं विंडोज टी दाबता हूँ और मैं लेफ्ट एरो का प्रयोग करता हूँ, ये देखिए ये चेंज हो रहा है. अगर मुझे यहाँ पे आना है इस पट्टी में, तो मुझे टैब दाबना होगा. ये पीपल का है आइकन, उसके बाद है फिर टैब दाबना होगा ये ट्रे बार को करने के लिए, उसके बाद फिर लेफ्ट एरो की से ये साइड में जा सकते हैं. अगला है विंडोज टैब. अगर हम विंडोज टैब प्रेस करते हैं तो देखिए ये क्या होता है. ये देखिए विंडोज टैब प्रेस करने के बाद यहाँ से हिस्ट्री देख सकते हैं, हम लोग ने क्या क्या चलाया है. यहाँ से वर्चुअल डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं, यहाँ से न्यू डेस्कटॉप बना सकते हैं, यहाँ से डेस्कटॉप क्लोज कर सकते हैं. अगला है आल्ट टैब. अगर डेस्कटॉप पर कोई भी एप्लीकेशन खुला हुआ है, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एज खोला, यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोला और फिर मैं यहाँ से कैलकुलेटर खोलता हूँ, अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है तो मैं आल्ट टैब दाब के रखूँगा और ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खुल गया. अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट एज में जाना है तो मैं फिर आल्ट टैब दो बार प्रेस करूँगा, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज खुल गया. अगर मुझे फिर से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है, फिर मैं आल्ट टैब प्रेस करूंगा, ये देखिए जब मुझे कैलकुलेटर में जाना है तो मैं आल्ट टैब प्रेस करूंगा दो बार, ये कैलकुलेटर खुल गया. अगला है क्विक एक्सेस. क्विक एक्सेस का शॉर्टकट कीज विंडोज ई होता है. अगर मैं विंडोज ई दाबता हूँ, यहाँ पे देखिए ये क्विक एक्सेस खुल गया है. क्विक एक्सेस से हम लोग हिस्ट्री सब भी देख सकते हैं. अगला शॉर्टकट कीज है विंडोज एच. विंडोज एच प्रेस करने से हम लोग बोल के टाइप कर सकते हैं. मैं यहां से वर्ड खोलता हूं, ये देखिए ये वर्ड खुल गया है और मैं जैसे ही विंडोज एच प्रेस करता हूं और यहां से विंडोज एच प्रेस करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट वॉइस कमांड ऑन हो जाएगा. हेलो द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग स्टॉप डिक्टेटिंग. और ये देखिए ये काम कर रहा है. अगला है विंडोज आई. विंडोज आई दाबने के बाद यहाँ सेटिंग्स खुल जाएगा और सेटिंग्स यहाँ से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं.
विंडोज 7 सब में कंट्रोल पैनल आता था, विंडोज 10 में भी कंट्रोल पैनल है, लेकिन कंट्रोल पैनल को अपडेट करके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यहाँ सेटिंग्स बनाया है। अगला शॉर्टकट कमांड है विंडोज एल। विंडोज एल दबने से लॉक स्क्रीन आ जाता है, ये देखिए ये लॉक स्क्रीन आ गया है। उसके बाद लॉक स्क्रीन से तुरंत हम लोग पीसी को लॉक कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट कमांड है विंडोज वी। विंडोज वी से हम माइक्रोसॉफ्ट यानी विंडोज का क्लिपबोर्ड इनेबल कर सकते हैं। मैं आपको पहले विंडोज क्लिपबोर्ड इनेबल करने सिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए, यहाँ से फिर क्लिपबोर्ड पर जाइए। क्लिपबोर्ड में जाने के बाद ये आपका ऑफ रहेगा, इसे इनेबल कर ले यानी ऑन कर ले। उसके बाद मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ, ये देखिए मुझे ये लाइन चाहिए और मुझे ये भी चाहिए। मैं जैसे ही विंडोज भी दाबूंगा, ये देखिए मुझे जैसे ये वाला लाइन चाहिए तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, और फिर मैं विंडोज भी दाबूंगा जहाँ मुझे ये लाइन चाहिए तो मुझे मैं ये क्लिक कर देता हूँ। अगला शॉर्टकट कीजिए विंडोज एस। अगर हमें कोई भी फाइल सर्च करना है या कोई भी एप्लीकेशन खोलना है तो हम विंडोज एस दाब के सर्च बॉक्स खोल के कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी फाइल खोल सकते हैं। तो मैं एक एप्लीकेशन खोलता हूँ, गूगल क्रोम। मैं सर्च करता हूँ, ये देखिए गूगल, जैसे मैं टाइप किया तो ये ऑटोमेटिक आ गया है। मैं इसे इंटर खोल करता हूँ, ये देखिए गूगल क्रोम खुल गया। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है विंडोज प्लस कॉमा। अगर हम कोई फाइल खोलते हैं जहां हमें तुरंत डेस्कटॉप पे जाना है और ये फाइल भी मिनिमाइज नहीं हो, तो विंडोज प्लस कॉमा जिसे दाब के रखेंगे तो ये हम लोग डेस्कटॉप यहां से देख सकते हैं। जैसे इसे इस बटन को छोड़ देंगे तो ये फिर वहीं आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट कीजिए विंडोज प्लस पीरियड। पीरियड को हम लोग फुल स्टॉप भी कहते हैं। जहाँ हम वर्ड खोलते हैं या नोट पैड खोलते हैं, जैसे हम विंडोज प्लस पीरियड प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए कई तरह के इमोजीज आ जाते हैं। जैसे देखिए ये टिक का इमोजीज है, ये रोज है। जहाँ मुझे सेम टू सेम चाहिए, ये तो कलरफुल नोट पैड में सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको वर्ड में दिखाता हूँ। मैं यहाँ से वर्ड खोल रहा हूँ, ये देखिए ये वर्ड मैंने खोल चुका है। अब फिर मैं विंडोज प्लस पीरियड दाबता हूँ और ये देखिए अब मैं यहाँ से कोई भी लेता हूँ तो ये देखिए ये अब कलर सेम टू सेम आ रहा है। ये देखिए जब मुझे मिटाना है तो ये आसानी से ही मिट जाता है। ये देखिए इसमें कई तरह के इमोजीज है, यहाँ से इसके नीचे भी है, यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ कई तरह के सिंबल्स भी है, यहाँ पे अवतार का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये साफ हो गए, ये पीला हो गए, और ये कई तरह के यहाँ रंग है। और उसके बगल में है सिंबल्स, जहाँ ये देखिए इस तरह के सिंबल्स जहाँ आप चाहते हैं तो यहाँ पे उपलब्ध है। ये देखिए यहाँ कई तरह के सिंबल्स उपलब्ध है। यहाँ पे डॉलर साइन है, कंपनी सबका साइन है, और यहाँ से ये देखिए कंपनी रिप्रोडक्शन प्रोडक्ट टीम एक्सेट्रा, गुना भाग घटा इक्वल टू, यहाँ पे कई तरह के सिंबल्स है। नया शॉर्टकट कीज है स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए, ये आपको शायद ही YouTube पे मिलेगा, कंट्रोल और एस्केप। जहां आप स्टार्ट मेन्यू आपका जहां काम नहीं कर रहा है या खराब हो गया है, आप जहां कंट्रोल और एस्केप दाबिएगा तो यहां से स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा।
और विंडोज की से भी स्टार्ट होने खुल सकता है। और यह अंतिम शॉर्टकट कीज है विंडोज की प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट और राइट एरो। अगर हम ये कीज ये कमांड डालते हैं तो ये देखिए क्या होता है, विंडोज कंट्रोल प्लस राइट एरो, ये देखिए ये चेंज हो रहा है। ये वर्चुअल डेस्कटॉप को चेंज करने के लिए है। अगर हमें फिर पीछे जाना है तो विंडोज की प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो को क्लिक करेंगे, ये देखिए हम पीछे जा रहे हैं। और वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट करने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये टास्क व्यू है और टास्क व्यू को खोलने के लिए विंडोज टैब शॉर्टकट कीज है। और यहाँ से ये देखिए अगर चेंज हो रहा है यहाँ से न्यू डेस्कटॉप। अगर मुझे डेस्कटॉप 2 में जाना है तो मुझे फिर से विंडोज कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो यूज करना पड़ेगा। ये देखिए विंडो डेस्कटॉप 4 में आ गए, ये डेस्कटॉप 3, ये डेस्कटॉप 2। मैं सभी डेस्कटॉप में सभी वर्चुअल में कुछ कुछ ऐप्स खोल देता हूँ ताकि आपको पता चले। मैं सभी में लिख देता हूँ डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2। और मैंने यहाँ सभी वर्चुअल डेस्कटॉप में मैंने डेस्कटॉप 2, डेस्कटॉप 3 और डेस्कटॉप 5 तक मैंने लिख दिया है। और मैं फिर से राइट और लेफ्ट एरो की का प्रयोग करके मैं आगे और पीछे जाता हूँ। मैं डेस्कटॉप 4 में जाता हूँ तो डेस्कटॉप 4 में जाने के लिए मुझे विंडोज की प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये देखिए डेस्कटॉप 4 में जाने के लिए, ये देखिए डेस्कटॉप 4 में आ गए। फिर डेस्कटॉप 5 में जाना है तो विंडोज की प्लस कंट्रोल की प्लस राइट एरो, आगे जाना है तो राइट, पीछे जाना है तो लेफ्ट। ये देखिए डेस्कटॉप 5, डेस्कटॉप 4, डेस्कटॉप 3, डेस्कटॉप 2, ये देखिए। और इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ, मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ETC World, a desire to connect the world.